जंतर मंतर पर राज्यसभा में बहन मायावती जी के अपमान के विरोध में और बहन जी के सम्मान में आज के धरना प्रदर्शन के अवसर पर हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, पूर्व विधायक गोकलपुर, हमारे भाई प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी सिंह जी, भाई महेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जोगिंद्र सैन जी मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जो जोन के इंचार्ज, सभी सम्मानित साथियों, दोस्तों, सम्मानित महिलाएं, साथियों, विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने जो यहां पर ये भारी तादाद में इकट्ठे हुए हो, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज ये जो धरना दिया जा रहा है इसके बारे में हमारे सभी साथियों ने विस्तार से आपको समझाया है, बताया है, मैं भी उसी से संबंध में, लेकिन पहले पुरानी जो परिस्थिति थी उसके बारे में भी आपको समझाना चाहूँगा कि इस तरह से आज ये अकेला काम नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे अंजाम हुए हैं। अगर हम लोग जो समय समय पर भूल जाते हैं उसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं, इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने एक बार एक आंदोलन चलाया था, कहीं हम भूल न जाए, क्योंकि इस देश के बहुजन समाज के लोगों की भूलने की आदत ज़्यादा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय कांशीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी को क्यों बनाया था, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस दिन की बात को याद करके जब उन्होंने संसद में संविधान के अंतिम बहस का जवाब देते हुए ये बात कही थी कि साथियों, इस देश में 25 नवंबर को ये बात कही थी 1949 को कि जब हम 26 जनवरी सन 1950 को इस देश का स्वतंत्र संविधान लागू होगा, उस दिन इस देश के लोग दोहरी जीवन में प्रवेश करेंगे। एक तरफ राजनीति में वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, हर व्यक्ति को एक वोट की कीमत होगी और एक वोट का अधिकार होगा, और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इस देश के लोग गैर बराबरी पर होंगे। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस देश के गरीब और कमजोर लोगों की जो ये गैर बराबरी वाली व्यवस्था है इसे हम दूर नहीं करेंगे, इस देश की सरकार दूर नहीं करेगी, बराबरी पर नहीं लाएगी, तो इस देश की राजनीतिक बराबरी वाली व्यवस्था का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत समझा बुझाकर ये बात कही थी, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस देश के अंदर गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बराबरी में करने के लिए संविधान में बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था दी थी, लेकिन इस देश के चालाक लोगों ने इस देश की गैर बराबरी वाली व्यवस्था को कभी बराबरी में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था जाते जाते 5 दिसंबर 1956 की रात को, उन्होंने ये कहा था कि मैं जो काम इस देश के लोगों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए करना चाहता था, इस देश के गरीब लोगों के लिए करना चाहता था, वो काम मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे लोगों से जाकर ये कह देना कि मैं जिस कारवां को यहाँ तक खींच कर लाया हूँ, अगर इसे ये गा...
कमजोरी, मुसीबत, परेशानी, व्यंग और नुक्ताचीनी अपमानों को झेलकर यहाँ तक पहुँचा है। अगर मेरे लोग इस कारवां को आगे भी ना ले जा सके तो इसे यहीं पर छोड़ देना। लेकिन साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब का कारवां पीछे चला गया। 1956 से लेकर 1966 तक बाबा का मिशन बहुत पीछे चला गया। तभी मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर पूरी मेहनत के साथ इस देश के इन लोगों को जगाया, इस देश के लोगों को, जो लोग इस देश की हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था के तहत जो आज भी ये कहते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कि हम हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था करना चाहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में इस देश के इन शुद्ध समाज के लोगों के साथ क्या हुआ था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी आधार पर माननीय कांशीराम साहब ने राजनीति में कदम रखा था। वो कौन सी बातें थी? वो ये थी कि हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मनुस्मृति का निर्माण किया था, उस मनुस्मृति के तहत उन्होंने लिखा था कि अगर इस देश के शूद्र SC ST OBC के लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीव काट ली जाए, अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। ये कौन थे शूद्र समाज के लोग? ये कौन थे SC ST OBC के लोग इस देश के अंदर जो 6,743 जातियों में बांटा गया है? वे लोग थे, उन लोगों में नाई, गड़िया, कुम्हार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, जाटक, बाल्मी, गोबी, नट, कंजर, सासी, मीणा, भील, बलाई, बैरवा, मेघवा, टोंग, गाना, पाना, घासी, हांडी, ये विभिन्न जाति के लोग। हर जिले में आप जाओगे आपको नई नई जातियाँ मिलेंगी, आपको हर देश प्रदेश के अंदर नई नई जातियाँ मिलेंगी। और उन जातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था भर दी गई थी, छोटे बड़े की व्यवस्था भर दी गई थी, कोई भी अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था और सब लोग अपने आप को ऊंचा मानते रहते थे। लेकिन कोई भी आज तक ऊंचा नहीं बन पाया, सब रहे नीचे के नीचे ही। और ये सब के सब इन देश के जो शूद्र समाज के लोग थे, इनको पढ़ने नहीं दिया हजारों साल। मैं धन्यवाद देता हूँ अंग्रेजों को कि लोग तो बुरा कहते हैं अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज लोग बुरा नहीं थे, अंग्रेज लोग बहुत अच्छे थे। अगर अंग्रेज नहीं आते इस देश के अंदर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और यदि बाबा साहब नहीं पढ़ते तो इस देश के शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज जो आज आपको पढ़ने का मौका मिला है, जो मनु ने आपको पढ़ने से वंचित किया था, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दे करके आपके लिए पढ़ने का रास्ता खोला। और आप लोग पढ़ लिख करके इन सरकारी नौकरियों में जो आए, आज जो राजनीति में MLA MP मिनिस्टर बने, आज जो आप राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था नहीं करते तो इस देश के इन शूद्रों को SC ST OBC के लोगों को कुछ भी नहीं मिला होता। इसलिए ऐसी व्यवस्था के खिलाफ माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब की एक बात को ग्रहण करके, उन्होंने कौन सी बात कही थी? उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। और इसी बात को लेकर माननीय कांशीराम साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। बहुजन का मतलब है बहुत सारे लोग, समाज माने समाज और पार्टी माने पार्टी, बहुत सारे गरीब समाज के लोगों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और इसका मकसद था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। इस बात को माननीय कांशीराम साहब ने बड़े सोच समझ कर किया था, लेकिन इस देश के ये SC ST OBC के लोग, माने के लोग, गरीब लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन ये RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इन्होंने इस बात को पकड़ लिया और उन्होंने समझ लिया कि कांशीराम जी की बात में दम है। इस देश के अंदर आज लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसी का राज होता है, तो वोट तो बहुजन समाज के पास ज्यादा है तो राज भी एक दिन इन्हीं का होगा। इसलिए इन लोगों ने बड़ी चालाकी से मोदी को आगे करके कि ये ओबीसी का आदमी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मोदी जी ओबीसी के आदमी नहीं है, ये तो व्यापारी वर्ग के आदमी है। व्यापारी का बहुत बड़ा व्यापार होता है, मोदी जी के घर में उनके परिवार के लोग ये व्यापार करते हैं, तेल और घी का व्यापार करते हैं। और आज मोदी जी को ओबीसी का बना करके और मोदी जी ने भी सारे देश में यही कहा कि भाइयों मेरी जाति नीची है लेकिन मेरी राजनीति नीची नहीं है। और इसी बात को लेकर देश के कोने कोने में मोदी जी ने इन गरीबों को गुमराह किया, इन गरीबों को बहकाया और ये गरीब लोग बहकाए में आकर मोदी जी को वोट देकर इस देश की उच्च सत्ता